अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला बरकातुहू। हेलो गाइस, हाउ आर यू? दिस आवर ग्रामर पीरियड गुलजार उर्दू फॉर फिफ्थ क्लास। सो लेट अस कम टू द चैप्टर इस्मे मौसूल। ओके, आई थिंक आई शुड से इट इन उर्दू लैंग्वेज। दिस विल बी बेटर। ओके, सो आई विल स्टार्ट इन उर्दू। इस्मे मौसूल, इस्मे मौसूल किसे कहते हैं? इसमें मौसूल एक ऐसा एक इस्म है जो किसी दूसरे इस्म की हालत को बयान करता है। ये मैंने आपको उर्दू में बताया, शायद आपको इससे पूरी तरह मसला वाजी ना हो सका हो, लिहाजा मैं इसको इंग्लिश में बताता हूँ कि इसमें मौसूल इज़ ए नोन दैट एक्सप्रेस दैट डिनोट्स कंडीशन ऑफ अनदर इस्म। ओके ओके, दिस वॉज इन इंग्लिश। तो इसमें मौसूल एक ऐसा इस्म है जो किसी दूसरे इस्म की हालत को बयान करता है, कैफियत, और उसके बारे में कुछ पता जानकारी देता है। हम अरबी ज़ुबान में कहते हैं कि अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ानी, अल्लतानी, अल्लाती, अल्लज़ीना, अल्लाई, ये सब अल्फाज अरबी ज़ुबान के इस्म मौसूल हैं। उसी तरह उर्दू ज़ुबान में भी चंद अल्फाज हैं जिन्हें इसमें मौसूल कहते हैं, जैसे कि जिस, जिसे, जिसको, जो, जिन्हें, जिनमें, जिसमें, जिस पर, जिस, जिस, जिन पर। सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इसमें मौसूल इन उर्दू लैंग्वेज। ओके, दिस इज़, इसे उर्दू ज़ुबान में इसमें मौसूल कहते हैं। तो चलिए हम पता करते हैं कि इसमें मौसूल का इस्तेमाल कैसे होता है, कब कब इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले हमारे पास फाइली हालत है, या इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मौसूल की चंद किस्में हैं। मैं आपको अभी शॉर्ट नोट के तौर पर बता दूं कि इसमें मौसूल की पांच किस्में होती हैं: फाइल, मफ़ूल, इजाफी, ज़र्फ़ी और तौरी हालतें। तो अभी हम पहले फाइल की, इसमें मौसूल की फाइली हालत, यानी जब वो इसमें मौसूल फाइल बनकर हमारे सामने आएगा तो उसकी सूरत कैसी होगी। व्हेन इसमें मौसूल विल कम टू अस एज ए सब्जेक्ट, देन हाउ इट विल बी। हाउ इट विल बी मीन्स हाउ वी कुड फाइंड इट, हाउ वी कुड नो इट। ओके, सो लेट अस कम टू द एग्जांपल। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ फाइली कंडीशन, उस्ताद ने उस बच्चे को इनाम दिया जिसने जवाब दिया। यू कैन सी द वर्ड जिसने इज बोल्ड, एले यू कैन सी द वर्ड जिसने इज बोल्ड मीन्स द वर्ड जिसने इज द इसमें इज इसमें मौसूल इन फाइल कंडीशन इन एस ए सब्जेक्ट। ओके, उस्ताद गेव रिवार्ड टू ए पर्सन हु replied, the word जिसने means in English who। okay, तो हम उर्दू में जो जिसने, जो, जिन्हें कहते हैं, English में who, whom, whose and who, how, who, whom, whose, these words are called इसमें मौसूल in our English language। okay, एंड जो, जिसे, जिसने, जिनको, जिसने, जिस, जिन पर, जिन में, दिस आर कॉल्ड इसमें मौसूल। तो अगर इसमें मौसूल फाइल के कंडीशन में आता है तो वो क्या होगा? जिसने होगा और जिन्होंने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, नेक्स्ट एग्जांपल इज, मैं, सेकंड एग्जांपल नंबर टू, मैंने उन लोगों को दावत दी जिन्होंने मेरी मदद की थी। I invited them who helped me. Okay, I invited them who, the word who is इसमें मौसूल। In first example, उस्ताद ने उस बच्चे को इनाम दिया जिसने जवाब दिया। Teacher rewarded the boy who replied. Okay, the word who is इसमें मौसूल। जिसने एंड जिन्होंने, दीज टू वर्ड्स आर इसमें मौसूल ऑफ उर्दू लैंग्वेज इन फाइल कंडीशन।
एंड द सेकेंड वन इज़ मफ़ऊली। इसमें मौसूल अगर मफ़ऊल की सूरत में हमारे सामने आए तो उसकी सूरत कैसी होगी। इफ़ इसमें मौसूल कम्स टू अस एज ए ऑब्जेक्ट देन हाउ वी कुड फाइंड इट। द फर्स्ट एग्जाम्पल टू फाइंड इसमें मौसूल इन ऑब्जेक्ट कंडीशन इज़ मैंने उसको तसल्ली दी जिसे और जिसको मैंने गमगीन देखा। आई कंसोल्ड ए पर्सन आई कंसोल्ड ए पर्सन हुम आई लुकड सैड। ओके, जिसे एंड जिसको। दिस इज़ द शेप ऑफ इसमें मौसूल फॉर मफ़ऊली। ओके, मफ़ऊली कंडीशन समझा। अगर इसमें मौसूल मफ़ऊल हो के इसमें मौसूल मफ़ऊल की सूरत में ऐसे मफ़ऊल आता है किसी सेंटेंस में तो वो क्या होगा, जिसे और जिसको इन सिंगुलर। ओके, सिंगुलर। इन प्लूरल सेकंड वन, हमने रेलगाड़ी में उनको देखा जिन्हें जिनको तुमने रवाना किया था। वी सो ए पर्सन इनटू रेलवे होम यू हैव सेंड ऑफ। ओके, यू हैव सेंड ऑफ। सो इन इसमें मौसूल मफ़ऊल की सूरत में दो किस्में का होगा, मुफ़रद होगा, जमा होगा। अगर मुफ़रद है तो कैसा होगा मफ़ऊल का कंडीशन, मफ़ऊल की सूरत जिसे जिसको। अगर जमा है तो मफ़ऊली सूरत में जिन्हें जिनको। समझता है ना। तो देखो आगे, देखो तीसरी किस्म इलाफी किस्म इलाफी सूरत। ओके, इलाफत। पहला एग्जांपल, ये बगदाद की ज़मीन है जिसका हर ज़र्रा मुसलमान का अफसाना ख्वाह है। दिस इज़ द लैंड ऑफ बगदाद हुज एवरी ग्रेन इज़ नरेटिंग स्टोरी ऑफ मुस्लिम। हुज एवरी ग्रेन इज़ नरेटिंग स्टोरी ऑफ मुस्लिम। द वर्ड हुज इन उर्दू जिसका। ओके, जिसका इज़ इसमें मौसूल। इसमें मौसूल ये लफ्ज़ जिसका, ये लफ्ज़ जिसका इसमें मौसूल है इजाफी सूरत में और ये मुफ़रद के लिए है। मतलब ये हुआ जिसका इसमें मौसूल मुफ़रद इजाफी। ओके, दूसरा एग्जांपल, ये खैमा उस फिलिस्तीनी परिवार का है जिनका घर इसराइली हमला में बर्बाद हो गया। द टेंट इज़ दैट फिलिस्तीनियन फैमिली हुज हाउस वेयर डिस्ट्रॉयड इन इसराइल अटैक। ओके, हुज, द वर्ड whose means जिनका। we are using separately for singular and for plural, but in English there is only one word whom, whose and who for singular and for plural. okay, both are same, but in Urdu that is both all are different. जिसका ये है इसमें मौसूल इजाफी सूरत मुफ़रद के लिए और जिनका इसमें मौसूल इजाफी सूरत जमा के लिए। समझता है ना। देखो आगे, देखो चौथी किस्म। ओके, इसमें मौसूल की चौथी किस्म है ज़र्फ़ी कंडीशन, ज़र्फ़ी सूरत, ज़र्फ़ी हालत। पहला एग्जांपल है, ये कलम उस मेज़ पर रखो जिसमें मेरी किताब है। पुट दिस पेन ऑन द टेबल इन विच माई बुक इज़। ओके, पुट दिस पेन ऑन द टेबल इन विच माई पेन इज़। सो जिसमें, ये द वर्ड जिसमें इज़ इसमें मौसूल ज़र्फ़ी वाहिद। ओके, तो जिसमें का मतलब क्या है,
इट रेफर्स टू ए प्लेस मीन्स टू ए टेबल. ओके पुट दिस पेन इन विच put this pen on the table in which my book is. So on the table in which, okay, so in which refers to a place. Okay, and the next example is वो घर बहुत अच्छे हैं जिन में हमारे माँ बाप खुश हैं. The house is very beautiful. The house is very good in which our parents are happy. If our parents are happy, then the house is very good. Okay, the word in which is isme mausula for zarfi condition in English, and in Urdu jisme and jinme, these two words are isme mausula for zarfi condition for singular and plural. जिसमें is for plural, singular, जिनमें is for plural. Okay, and the next question is the next type of इसमें मौसूला is तौरी condition. तौरी condition means that refers to a activity, that refers to a style, way. तौरी means a type of action that denotes action, that is not maful condition, not fail condition, not izafi condition, not zarfi condition. Except these four condition, the remaining condition is called tauri condition. Taur means tariqa. Okay, the first example of tauri condition is maine hospital mein usko dekha jisse main kal bazaar mein mila tha. I looked a person into the hospital whom I have met yesterday in market. Okay, the word whom in English is for isme mausul. Okay, so I looked a person into the hospital whom I have met yesterday in the market. Okay, second one, वो सब तूफान में मर गए हैं जिनसे तुमने बात की थी. All those have passed away in storm. All those have passed away in storm whom you have talked to. Whom you have talked to. Okay, so everybody has passed away in storm whom you have talked to. So the word whom in English is used for isme mausula. Okay, the word whom is used as isme mausula in English language, but in Urdu language the word jisse and jinse, these two words are used for isme mausula for tauri condition. Okay, jisse is for singular and jinse is for plural. So now let us come to the qaida. Okay, qaida means not. So let us come to the note of this chapter, means what is isme mausul. Later definition. Qaida means definition. Okay, तारीफ. इसमें मौसूल वो इस्म है जो किसी इस्म की हालत, कैफियत या पता बयान करे. इसमें मौसूल इज़ ए नॉन दैट डिनोट्स कंडीशन ऑफ अनदर नॉन. ओके, इट इज़ ए इसमें मौसूल इज आल्सो ए नॉन दैट डिनोट्स कंडीशन ऑफ अनदर नॉन. Okay, so it has five condition. So there is the five condition. Five condition means fa'il condition, maf'ul condition, idafi condition, zarfi condition and tauri condition. Okay,
देर आर फाइव टाइप्स ऑफ इसमें मौसूल फाइल कंडीशन. फाइल कंडीशन टू टाइप्स सिंगुलर एंड प्लूरल. ओके द लाइक दैट मफूल इजाफी मफूली इजाफी लर्फी तौरी हैज टू टाइप्स सिंगुलर एंड प्लूरल एंड ऑल ऑफ दोज वी हैव रेड. सो लेट अस नो द शॉर्टली फाइल कंडीशन ऑफ इसमें मौसूल इज जो एंड जिसने एंड प्लूरल ऑफ फाइल कंडीशन इसमें मौसूल इज जो जिन्होंने. ओके लाइक दैट इसमें मौसूल मफूल कंडीशन सिंगुलर जिसे जिसको एंड प्लूरल इज जिन्हें जिनको. ओके द वर्ड जिन्हें इज रिटन रॉन्ग. ओके द वर्ड जिन्हें इज रिटन रॉन्गली यू हैव टू करेक्ट द वर्ड. द स्पेलिंग ऑफ जिन्हें इज जीम नून हे ये नून गुन्ना. ओके इन दिस पिक्चर यू कैन सी आफ्टर नून देर इज या मीन्स द वर्ड या इज बिटवीन नून एंड हा दैट इज रॉन्ग बट या शुड बी आफ्टर हा बिटवीन हा एंड नून गुन्ना. ओके जिन हैं. ओके फर्स्ट जिम सेकेंड नून थर्ड हा फोर्थ या फिफ्थ नून गुन्ना. नून गुन्ना मीन्स ए राउंड शेप्ड नून बट देर विल बी नोट पॉइंट. ओके ए नून विच हैव नो पॉइंट इज कॉल्ड नून गुन्ना. ओके And the third one, idafi condition of isme mausool. Okay, idafi condition of isme mausool in singular, jiska, jiski, jiske. The same, plural will be jinka, jinki, jinke. Okay, the fourth type of isme mausool is zarfi, and it has two type, singular and plural. Zarfi. कंडीशन ऑफ इसमें मौसूल फॉर सिंगुलर इज जिसमें एंड फॉर प्लूरल इज जिनमें एंड द लास्ट वन ऑफ इसमें मौसूल इज तौरी कंडीशन मीन्स एक्सेप्ट फाइली मफ़ूली ज़र्फ़ी इज़ाफ़ी अदर आर तौरी अदर इसमें अदर कंडीशन ऑफ इसमें मौसूल इज कॉल्ड तौरी. इट हैज़ ऑल्सो टू टाइप्स That is singular and plural. Singular is jisse, plural is jinse. So now we have completed the first chapter of Gulzare Urdu 5th class. And that was isme mausool. I think everybody of you have known it better and you could remember. I think so. So, if you have any doubt, you may call me anytime. Okay?